तो बाबा जी क्यों दुर्मत में दर्श नहीं दातार बच बच मरे है गिवार और करोड़ करनी काम नहीं आवे चाहे तीर्थ करो हजार माए ने मन में मलिनता वे तीर्थ करवा जाए घटे गुरुआ के धोख देवा जाए तो वो निष्फल है। शुद्ध मन से आप घर बैठे यदि भगवान ने माना हो तो अपना काम पूर्ण गुरु महाराज का आज पूर्ण करे है। तो मन में कोई प्रकार की मलिनता नहीं होनी चाहिए। दुर्मत में दाता नहीं दर्शे बच बच मरे है गंवार और करोड़ करनी काम नहीं आवे चाहे तीर्थ करो हजार तीर्थ गए फल एक और संत मिले फल चार और सतगुरु मिले फल अनंत है कहत कबीर विचार। तीर्थ जब अपन एक फल की प्राप्ति होगा बटा अपना तन को शुद्धिकरण हो सके कोई छोटो मोटो मेल शरीर के ऊपर लागे होगा तो वो दुख जाए तीर्थ कर पाऊ। एक फल की प्राप्ति होगा तीर्थ गए फल एक और संत मिले फल चार धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार फलों की प्राप्ति हुए संत मिला और सतगुरु मिला अनंत फल है कहत कबीर विचार। के सतगुरु सांचा मिल जाए तो कोई फलां की गिनती को फल मिले अनंत फल मिले। तो गुरु महाराज क्योंकि संसार में सन जितना ही मनुष्य रूप जन्म कोई लीड़ा दबान गुरु धारणा करनी बहुत जरूरी है। ये भोग सागर से पार होने के लिए माता पिता और गुरु महाराज की सेवा ही सर्वोपरि बताई है बाबा जी। क्यों गृहस्थी का यही धर्म है और नर नारी में प्यार और मात पिता सतगुरु की सेवा करनी है बारंबार। चौथा आदमी ने कोई ने पूजवा की जरूरत को नहीं है। तीन चीज आदमी दिमाग में ठान ले बैठा ले मन में का अपन तीन कर्म तो करना ही है। सुबह उठे उठता ही मात पिता के धोख देवे प्रणाम करे गुरु महाराज ने प्रणाम करे इष्ट ने भगवान ने ईश्वर ने धन्यवाद देवे के थे मान मनुष्य जन्म दियो और मैं तान बारम्बार धन्यवाद देवा। तो गृहस्थी का यही धर्म है नर नारी में प्यार और मात पिता सतगुरु की सेवा करनी है बारंबार। सुनो तुम सत शब्दां की सार पाप कपड़ने छोड़ परेरा दूर मत दूर निवार। ऊंच नीच का वर्ण ओढ़ और कर्मा के अनुसार वो ऊंचो है वो नीचो राम तो की पड़े को नहीं है। ऊंच नीच का वर्ण ओढ़ को कर्मा के अनुसार कर्म ही घटावर कर्म ही बढ़ावे। जगह इंसान का कर्म ऊंचा है वो ऊंचो है चाहे वो जन्म घटे ले और जन्म कोई बड़ा घराना ले ले भी कर्म नीचा है तो वो सबसे माड़ो आदमी है। बिकन कोई लोग देखे को नहीं बीच बिका बिकी लोग निंदा करे बुराई करे। तो ऊंच नीच का वर्ण ओढ़ को कर्मा के अनुसार और जन्म जाति के अभिमान में मत डूबो मजदार। कहो जो जन्म जाति को अभिमान है डूबनो ये अभिमान नहीं करना चाहिए। खंड पिंड ब्रह्मांड में देखो एक ही है करता के सन बना बड़ो वो एक ही है चाहे जाति कोई सी हुए खून से कोई सारी हुए जन्म जाति का अभिमान मत डूबो मजदार। खंड पिंड ब्रह्मांड में देखो और एक ही है करतार और एक बूंद का सकल पसारे माचा रचियो सर्व संसार। कापा सब ईश्वर की औलाद हां और बिकी रचना करे डी बिकई आपा भरोसे बिकई बनाडा सब आपा जीव जंतु जितना भी प्राणी हां संसार में जितना भी लख चोरा ची या ओणा वे सब ईश्वर की बनाई देगी। खंड पिंड ब्रह्मांड में देखो एक ही करतार और एक बूंद का सकल पसारा बहु रचियो सर्व संसार। धर्म समाज धरो दिल धीरज का आपका धर्म को नियम को नीति को इंसान ने ध्यान रखना चाहिए। एक मनुष्य जन्मिया को दे है जका आदमी ने ज्ञान हुए कापा काय कर रहे हैं काय नहीं कर रहे हैं क्या चालनो है क्या उठनो है क्या बैठनो है क्या रहनो है। एक मनुष्य ही योनिया की है जिन ज्ञान हुए है। तो बाबा जी क्योंकि धर्म समाज धरो दिल धीरज चलो शब्द के लार और वेद सतगुरु संत पुकारे यही है मोक्ष द्वार। जगह सतगुरु जगह संत महापुरुष अमृत वर्षा करे है बांगा शब्दां के लार आप चला तो अपनो जीव को कल्याण होनो सफल है। मतलब कोई रोक वालो को नहीं। धर्म समाज धरो दिल धीरे चलो शब्द के लार और वेद सतगुरु संत पुकारे यही है मोक्ष द्वार। जगह अपना पुराना शास्त्र है वेद ग्रंथ है आज जगह सगड़ा एक ही बात कह रहे हैं कि गुरु महाराज का बचना मेरे और गुरु महाराज की और मात पिता की सेवा करो। जोगी जगह जुगत सब जाने जतमत में होशियार और सत उपदेश करे जगमाई जागी होवे जय जयकार। और सुनो तुम सत शब्दां की सार और पाप कपट ने छोड़ परेरा दुर्मत ने दूर निवार। लादूदास जी मिला है गुरु साहिब दीना है ज्ञान विचार और खीव सांच आंच नहीं आवे सुमरो सर्जन हार के सांच के गणा आंच को नहीं आवे। बोलो गुरु महाराज की जय हो।
सतगुरु स्वामी श्री बंशीदास जी महाराज की जय हो। सतगुरु स्वामी श्री भगतदास जी महाराज की जय हो।